जाजू सागर बांध की भूमि का सीमांकन कर खाई लगाने व अवैध कब्जे हटाने की मांग। डैम इंचार्ज व नगर पालिका अधिकारियों पर लगे आरोप, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। जाजू सागर बांध डूब क्षेत्र में सीमांकन करने व खाई लगाकर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर मंगलवार को राजेंद्र सिंह सिसोदिया निवासी ग्राम बरखेड़ा गुजर, रणजीत सिंह, विजेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह ने कलेक्टर के समक्ष एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया। साथ ही कार्रवाई नहीं करने के पीछे डैम इंचार्ज और नगर पालिका के अधिकारियों पर रुपए लेन देन के आरोप भी लगाए। वहीं मामले में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश भी दिए हैं। दिए गए आवेदन में बताया गया कि नीमच नगर पालिका के क्षेत्राधिकार में आने वाले नीमच के एकमात्र एवं प्रमुख पेयजल स्रोत जाजू सागर बांध की हजारों बीघा डूब भूमि पर नीमच नगर पालिका अधिकारियों द्वारा पैसे लेकर अवैध रूप से खेती के साथ साथ पानी की चोरी भी करवाई जा रही है। इस बांध के लगभग 2000 बीघा से अधिक डूब भूमि पर 2000 रुपए प्रति बीघा के मान से पैसे लेकर अवैध खेती करवाई जा रही है। डैम की डूब भूमि पर अवैध कुओं का भी निर्माण करवाया जा रहा है। डैम प्रभारी द्वारा इस डैम से पानी की चोरी भी भूमिगत पाइपलाइनों से करवाई जा रही है। सर, मैं राजेंद्र सिंह सिसोदिया गांव बरखेड़ा गुजर से आया हूं और हमारे जाजू सागर डैम की अवैध खेती के संबंध में हम यहां पे आवेदन देने आए थे कलेक्टर महोदय को। इससे पहले भी हमने यहां पे आवेदन दिया जिसमें सीएमओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। वहाँ कम से कम 2000 बीघा जमीन है और डैम प्रभारी और सीएमओ द्वारा 2000 बीघा जमीन के 2000 रुपये प्रति बीघा के मान से पैसे लेके अवैध खेती करवाते हैं। इस संबंध में सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेन दर्ज करवाई है जो 18 जनवरी को कंप्लेन दर्ज करवाई थी, आज दिनांक तक उस पर भी कोई निराकरण प्राप्त नहीं हुआ और बार बार मतलब डैम प्रभारी द्वारा धमकियां दी जाती है शिकायत उठाने के लिए। और अभी वहाँ पे कुएं का भी निर्माण चल रहा है, कुएं भी मतलब निर्माण हो रहा है, उसका भी अभी तक कोई रोकने लगा है इन्होंने, कोई कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। डैम प्रभारी अशोक गहल क्या कहते हैं, उनका कहना है मतलब दूसरे दबंगों को भेजते हैं घर में कि इससे शिकायत उठवा लो, अगर शिकायत उठ जाएगी तो मैं 2 दिन में कार्रवाई बंद करवा लूँगा। सर, ये लग सकता है कभी पैसे जा रहे होंगे नगर पालिका में, सीएमओ के पास भी जा रहे होंगे, तो इसी सीएमओ द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही। इन्होंने दल भी गठित किया था 6 सदस्य का, तो 20 तारीख को किया था जिससे 15 दिन की अवधि में सीमांकन कार्य पूर्ण होना बताया था, उसका अभी तक कोई सीमांकन करने कोई भी नहीं आया उसका। कलेक्टर साहब और एडीएम मैडम से दोनों से मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि कार्रवाई करवाते हैं, उन्होंने बोला है मतलब सीएमओ को जल्द से जल्द कार्रवाई करें। सर, मैं पिपला गुजर से विजेंद्र सिंह पिपला गुजर से आया हूँ और हमने पहले भी जनसुनवाई में आवेदन दिया था नगर पालिका की जो जाजू सागर डैम है अर्घ्याकाल बांध, उससे अवैध खेती करवाते हैं और पानी चोरी करवाते हैं। कम से कम 2000 बीघे जमीन नगर पालिका की हैं और कम से कम 80 से 100 मोटरें पाइपलाइनें जो ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड गड़ी हुई हैं उनसे पानी चोरी करवाते हैं और मछलियाँ पकड़वाते हैं। और इसमें नगर पालिका को कोई राजस्व नहीं मिलता है, जो भी कर्मचारी होते हैं वो कर्मचारी उनसे डायरेक्ट पैसे लेते हैं और सारा काम करवाते हैं। हम ये चाहते हैं कि नगर पालिका की जो भी ज़मीन है उसका सीमांकन किया जाए और उसकी जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको बंद किया जाए। इससे पूर्व में भी कई बार 2 बार नगर पालिका की ज़मीन को अवैध मतलब अतिक्रमण से मुक्त किया गया है, लेकिन 3 साल हो गए हैं अभी क्या अभी उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हमने सीएमओ मैडम से कई बार आवेदन दिया है लेकिन उनका कहना है कि हम मतलब ये कार्रवाई करेंगे। वहाँ पर प्रति मोटर के हिसाब से 8000 रुपये प्रति मोटर के हिसाब से अशोक गहल जी की देख रेख में लिए जाते हैं और 2000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से रेट तय किया गया है। जो भी जब अगर 25 बीघे बोते हैं तो उसे 50000 रुपये की वसूली की जाती है। ये समस्या ये है कि खुद नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं ये नहीं चाहते हैं कि नीमच जिले मतलब नीमच के नागरिकों को पानी मिले। इससे जितना पानी नीमच प्रतिदिन में पानी आता है इससे 2 गुना ज़्यादा पानी वहाँ चोरी करवाते हैं साथ में। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है।